ओ मैंने प्रोड्यूस किया है, ये मेरा है प्रोडक्शन, अब मैं करवा देता हूँ इन सबका इंट्रोडक्शन। ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर चार, ये नंबर पाँच, ये है सबसे बड़ी, सोचे बातें बड़ी बड़ी, ये दिमाग की नंबर वन पर सुनती थोड़ा कम। ओ ये ब्यूटीफुल है छोरी, पर अकल हो गई चोरी, है इसका वजन आधा, पर समझे खुद को दादा, ये गप्पू सबसे छोटी और गप्पे मोटी मोटी। ओ मैंने समझ लिया है क्या इनका है सिलेक्शन, इनकी हरकतों से मेरा पड़ जाता है टेंशन। ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर चार, ये नंबर पाँच, फलक झपकते ही महीना खत्म हो जाता है और सारे बिल के पेमेंट खड़े हो जाते हैं। देखो बिल तो चुकाना ही है ना, तो खुशी खुशी चुकाओ। ये देवदास के बाप की तरह उदास मुंह बनाकर ये चेक क्या काट रहे थे? अरे बिना पैसे कमाने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है तुझे पता है? पगार आते ही 7 दिन में उड़न छू हो जाता है और बाकी की 23 दिन ठन गोपाल। अरे देखो मैं तो कहती हूँ तुमने धंधा ही गलत पकड़ा है, ये नौकरी छोड़ दो, बच्चों की सलाह लेकर कोई अच्छा सा धंधा करो। बच्चों की सलाह? लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं, ये तुम्हारे बच्चे मुझे 3 नंबर का और 4 नंबर का धंधा भी सिखा देंगे। नहीं मैं मेरे नौकरी में खुश हूँ बस। तो ठीक है फिर मेरे लिए 7,000 का चेक काटो। क्यों? अरे पापा मुझे जिम ज्वाइन करना है, अपना वजन कम करना है। क्या करो डैड? मॉम के लिए चेक बना रहे हो? अरे मेरा भी 3,000 का चेक बनाओ ना। क्यों? वो हमारी महिला मुक्ति की मेंबर है ना, उसने अपने पति का हाथ और अपनी सास का दांत तोड़ दिया, अब दोनों ने मिलके उसके ऊपर केस कर दिया है, तो केस लड़ने के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बोलो डैड, 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 प्लीज भगवान के लिए इस गरीब को भी 20,000 रुपए दे दीजिए। क्यों क्यों? उस दिन ना मैं रोड से जा रही थी, आपको पता है, सामने से स्कूल बस जा रही थी बच्चों को लेकर, बच्चों ने मुझे देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगे, देखो देखो गोरी निग्रो जा रही है, गोरी निग्रो जा रही है। मुझे जाके अपने बाल स्ट्रेटन कराने हैं डैड। तेरे बाल स्ट्रेटन करा, मैं मेरे टकला क्यों कर रही है? क्या हो रहा है बापू? बापू रो रहा है बाप। भाई को? क्योंकि हम लोग सब लोग बापू से पैसे मांग रहे हैं। कभी खुशी खुशी पैसे नहीं देते हो, हमेशा रोते रहते हो। हाँ बिना मालूम है मुझे, मालूम है, लेकिन तुम लोगों को भी फिजूल खर्चा करने के पहले सोचना चाहिए ना। तुम लोगों ने कभी सोचा है कि एक अकेला बाप बेचारा ये घर का सर्कस कैसे चलाता होगा? ना कोई सहारा, ना कोई सपोर्ट। अरे मेरे साथ के ज्यादातर लोग अपने बेटों के कंधे पर घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप कर रिटायर हो गए। हाँ माँ सुनो, अपने सुना, ये आपको ताना दे रहे हैं कि आपने सिर्फ बेटियां ही पैदा की है। हा? एक आध बेटा पैदा किया था तो ये रिटायर हो गए होते, समझे? ए, 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 मेरे बोलने का ऐसा मतलब नहीं था। अरे बापू ये कम अकल नहीं अकल की बात की है। आखिर आपने बेटे और बेटी में फर्क कर ही डाला ना। नहीं नहीं मीना जी, छोड़ो छोड़ो, बात ही नहीं करनी आपसे। ऐसा नहीं, ए ए मीना, मैं ए चल 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 बोला, लेकिन अरे क्या आवाज कहाँ से आई? अरे आइए आइए सर, आइए आइए आइए, बैठिए सर, बैठिए बैठिए। थैंक यू मिस्टर माथुर। मैंने आपको वो तो नहीं किया? वो बोले तो मतलब वो बीच में होता है ना वो डिस्टर्ब? नहीं 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 सर, नहीं सर, आप मेरे बॉस हैं, आप मुझे डिस्टर्ब तो क्या, मेरे केबिन में आके आप डिस्को भी कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता था मिस्टर माथुर कि आपको मेरे ऑफिस में कुछ वो तो नहीं है? तकलीफ? हाँ क्या? नहीं 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 कोई तकलीफ नहीं है सर, मैं नौकरी में एकदम खुश हूँ। मुझे ये जानकर बहुत वो हुई, खुशी हुई।
फिर भी मिस्टर माथुर, अचानक वो छोड़ने का वो क्या है? क्या छोड़ने का सर? मतलब वो जो आप मेरे ऑफिस में करते हैं ना, वो क्या कहते हैं? नहीं, ये तो मेरे भी उसके ऊपर है, यानी मेरी भी समझ के ऊपर है। नहीं नहीं, वो जो आप मेरे ऑफिस में करते हैं ना, जिसके लिए मैं आपको वो देता हूँ, वो जब नौकरी करता हूँ आप मुझे पगार देते हैं। यस। नहीं नहीं सर, लेकिन आपको किसने कहा कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ? वो आपकी उनका फोन आया था। बीवी का? नहीं नहीं, वो बेटियों का। उन्होंने कहा है कि अगले महीने डैड का वो ढूंढ ले, डैड छोड़ रहे हैं, मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढ ले, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। अरे नहीं सर, अरे नौकरी छोड़ूंगा तो मैं क्या म्युनिसिपैलिटी स्कूल के सामने आम और पेरू बेचूंगा? नहीं नहीं सर, मैं नौकरी नहीं छोड़ रहा हूँ सर, नौकरी नहीं छोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं, फिर भी उन्होंने कहा है कि अगर डैड का वो नहीं लिया तो वो मेरा वो कर देंगे। रेसिग्नेशन ले ले, नहीं तो वो करेंगे वो। नहीं सर, ये वो के बहुत मतलब निकलते हैं सर, लेकिन मैं नौकरी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा सर। चलो अच्छा है, वैसे भी हमें तुम्हारे जैसे पुराने उनकी बहुत वो है। वो यानी पुराने आदमी की जरूरत है। हो अपनी उनको समझाइए ना। अब फिक्र मत कीजिए सर, मैं घर जाके उनको बराबर ठिकाने लगाता हूँ। चला खर्चा कम करने के लिए बोलो तो मुझे ही घर बिठाने की सोच रही है लोग। देखूं तो इन लोगों ने क्या किया है। मिस बीना माथुर। यस मिस स्वीटी माथुर। ये जगह आपको कैसे लगी? ये बहुत भीड़ वाली जगह है। चाइना, सपोज आपको सच में नींद आ गई तो आपके खरांटे की आवाज इस ट्रैफिक में दब जाएगी। अरे नहीं नहीं स्वीटी, मेरा आइडिया अच्छा है, भगवान के नाम पर चंदा मांगना। नहीं नहीं, मेरा आइडिया ज्यादा बेटर था। मेरा आइडिया, क्या चल रहा है रास्ते? शी यार, ये फिर क्यों आ गया? ठीक है, जब आप आ ही गए हो तो आप मुझे ये बता ही दो कि कौन सा आइडिया बेटर है, लावारिस लाश के कफन के लिए पैसे मांगना कि भगवान के नाम पे चंदा मांगना? मतलब क्या, मतलब क्या इसका, मतलब क्या है? अरे अरे बाबा, तुम सुबह कह रहे थे ना तुम्हारे साथ वाले सारे रिटायर हो गए, तो लड़कियों को लगा कि तुम्हें भी घर बिठा देना चाहिए। अरे वो तो मेरे बॉस ने मुझे बताया कि तुम लोगों ने मुझे पूछे बगैर मेरा रेसिग्नेशन दे दिया। अरे घर को पे तो है नहीं, घर तो चलाना पड़ेगा ही, इसीलिए हम पांचों ने अलग अलग तरीके से पैसे कमाने का सोचा। ओके, और मिस स्वीटी माथुर एंड मिस बीना माथुर ने एक कोलैबोरेशन खोला है। बोलो, कोलैबोरेशन की बात तो ऐसे कर रही है जैसे मित्तल और अंबानी मिलके स्टील का प्लांट डालने वाले है। बीना, इनको अक्कल नहीं है, तू नहीं समझा सकती इन्हें? पता नहीं ये तीनों ने क्या गुल खिलाया होगा घर में। ये किसने बांधा यहाँ? सुबह यहाँ से गए तब तो यहाँ नहीं था। ये तीनों में से किसी एक की करतूत दिखती है। नहीं, काजल भाई ने यहाँ देसी दारू का अड्डा तो नहीं डाला? ओए मामू, किधर को जा रहे ला? ओ चाचू, मैं अंदर जा रहे लाए। अंदर को? इधर क्या, हम लोग लाइन में क्या लाइन मारने को खड़े ला क्या? नहीं, वही देखने जा रहे लाए कि लाइन क्यों खड़ा रहे लाए। देखो अभी बाजू हो जाओ, मेरा सर पहले से ही भड़के ला है। ऐसे क्या? हाँ। ये ले चल फोट। अरे बापू आओ आओ, अब उनके बाप का बगीचा ही समझो, काजल भाई का दुकान है। काहे का दुकान है काजल? लकी लॉटरी का, झटपट खेलो फटाफट जीतो। तू एक नंबर का काम कभी कर ही नहीं सकती क्या? धंधा एक नंबर या दो नंबर का नहीं होता, धंधा धंधा होता है और पैसा पैसा होता है। और ये पैसा ही एक ऐसा भगवान है जिसकी सब पूजा करते हैं, जिसके लिए मल्लिका शेरावत भी नाचती है और ऐश्वर्या राय भी नाचती है। अरे लेकिन दुकान देख लिया ना, जाओ घर जाके रिटायरमेंट की तैयारी करो। धंधे के टाइम पर किंतु परंतु बोल के धंधे का टाइम खोटी नहीं करने का, समझा ना? चलो नेक्स्ट। दो के कमाने के लाइन ने तो हिला दिया, पता नहीं बाकी के दो क्या करतब करने वाली। ये बाल मुझे दे दे ठाकुर, ये बाल मुझे दे दे। ए, ए, मीनाक्षी क्या है? ये बेलन छोड़ के ये उस तरह क्यों उठाया तुमने? डैड, मैं पुरुष को टकला करने वाली हूँ। जानू जानू, जल्दी से उसे बचा लो, वरना हरे भरे चने के खेत जैसा उसका सर चिकना घड़ा बन जाएगा। ए, क्या कर रही तू? क्यों पुरुषोत्तम को उजड़ा चमन बनाने तुली है?
डैड वो क्या है कि मैंने इंटरनेट पे पुरुष का सर सेल पे रख दिया तो एक हवाई चप्पल बनाने वाली कंपनी उसका टकला किराए पर लेने के लिए तैयार हो गई। उसका टकला किराए पर लेके क्या करेंगे वो? वो लोग खुद के चप्पल की पब्लिसिटी के लिए उसका सर इस्तेमाल करेगी। अरे चप्पल कहाँ सर कहाँ? वो लोग उसके टकले पे एक लाल रंग की चप्पल बनाएंगे और माथे पे लिखेंगे चप्पल हो तो ऐसी जो सर पे उठाने का मन करे। वैसे एड का कॉन्सेप्ट तो अच्छा है। जानू पुरुषोत्तम ने ही बनाया था लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसी का कॉन्सेप्ट उसी पर भारी पड़ जाएगा। डैड सॉलिड पैसे मिलने वाले हैं। मेरा पुरुष तो फेमस हो जाएगा, उसका टकला भी फेमस हो जाएगा, उसके टकले के होर्डिंग्स लगेंगे, पोस्टर्स छपेंगे। न्यूज चैनल वाले तो फुर्सत में ही बैठे हैं। कम से कम 10-12 चैनल पे तुम्हारा टकला चमकेगा। पुरुषोत्तम को बचाने यही पैतरा अच्छा है। ए मीनाक्षी, बाल मत काट, पुरुषोत्तम के बाल मत काट। क्यों? अगर उसने मॉडलिंग की तो वो फेमस हो जाएगा। हाँ डैड। तो मॉडलिंग के बाद उसे एक्टिंग के लिए ऑफर आ जाएगी। हाँ डैड। टीवी पे, फिल्म में। हाँ? हाँ? और अगर वो गलती से स्टार बन गया तो समझो तुम्हारे हाथ से गया। हाँ डैड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर सोचो। क्या? अरे बाप रे, ये सबसे बड़ी चिरांत का चैप्टर पढ़ना अभी बाकी है। जोड़ी डैड, हाथ फैलाओ। क्या? हाथ। संस्कृत में पंडितों ने उसे हस्त कहा है। फैलाइए। छोटी की पहली कमाल। इतने सारे पैसे आए कहाँ से? प्रियंका चोपड़ा की फिल्म अच्छी लगी तो उसके टेलर का पता नहीं पूछते फिल्म देखते हैं। बस बस मुझे मालूम है, आगे मत बोल। ये पैसे कहाँ से आए इतना बोल मुझे। पसीने की कमाई है डैड, सूंघ के देखो गंदी खट्टी बास आएगी इसमें से। आप एक बात मुझे बताने का कष्ट करेंगे, ये पसीना आपने बहाया कहाँ? एक तो पसीना बहा के पैसा कमाने में कष्ट, फिर कहाँ कैसे क्यों बताने में कष्ट। डैड पैसा आया, उड़ाओ ना, कुछ नहीं होगा। खतरनाक खोपड़ी है। अगर इसने पैसे कहाँ पैदा किए अगर मैं सोचने लगा तो मेरी खोपड़ी घूम जाएगी। क्यों? मुझे आपको कुछ देना है। क्या देना है? पहले नीचे तो उतरो। हाँ उतर गए। बोल क्या है? ये लो तकिया। स्टोर रूम से चद्दर ले लो, बाहर हॉल है, ऊपर टेरेस है, नीचे गार्डन है, जहाँ तुम्हारा मन करे ना जाकर सो जाओ। मुझे रूम से बाहर निकाल रही है। कितनी बार तुम्हें कहा है कि बिस्तर पर नागी नाच मत किया करो, तुम्हें नींद नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के सपनों में रुकावट पैदा करो। मतलब? अरे मतलब क्या, मैं सपने में नागा पाटिल और जॉन अब्राहम की फिल्म टैक्सी नंबर 9211 देख रही थी, तुम हिले टैक्सी प्रिंसेस सीधा नदी में गिर गई। बोलो। अच्छा अब तुम सो जाओ ना, मुझे भी सोने दो, मुझे बाकी की फिल्म पूरी करनी है। मुझे नींद नहीं आती। नींद नहीं आती? मम्मी को बुलाओ आ जाएगी। ए, वो क्या है, चिंता में मुझे नींद नहीं आती। ये बच्चों ने जो पैसे कमाने की लाइन चुनी है ना वो अच्छी नहीं है। देखो जिस लाइन में पैसे हैं वो लाइन अच्छी है, जिस लाइन में पैसे नहीं है वो लाइन अच्छी नहीं है। हे, हे बिना, 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 खिड़की में कोई है? खिड़की में कोई है? अरे अरे तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? एक काम करो, जोर जोर से चिल्लाओ बचाओ बचाओ बचाओ। चिल्ला मत, अरे भी पुलिस वाला है। अरे भाई पुलिस वाले, अरे तू चोर बन के मेरे घर में क्यों घुसाया? किधर गए? अरे मेरे घर को इतना बड़ा दरवाजा है, तू खिड़की में से क्यों आया? चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके में सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी थे ना? अरे पुलिस वाला फरेब के मिलिंद गुनाजी जैसे हमारे घर में घुस गया है और ये चोरी चोरी चुपके चुपके की कास्टिंग फिक्स कर रही है। आप ऐसे हमारे घर में क्यों घुस गए? आपकी छोटी बेटी की वजह से। छोटी? उसने मुझे वार्निंग दी थी कि अगर कहीं मुंह खोला तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। वैसे कहां मुंह काला
करते हुए पकड़ा उसने आपको? मैं गरीब पुलिस वाला हूँ। गरीब? आगे बोलो। 4 बत्ती सिग्नल पर मेरी ड्यूटी रहती है, पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके 1500 कमाता हूँ। अच्छा, आपकी बेटी ने मोबाइल कैमरे से मेरा स्टिंग ऑपरेशन कर डाला। कैसे कैसे? वो क्या है कि सिग्नल पे भिखारी लोग जो होते हैं ना, और जो ताली बजाने वाले, जो फेरी फिरने वाले होते हैं, वो जो भी कमाते हैं उसमें से थोड़ा बहुत हमको भी देते हैं। भीख में भागीदारी। आपकी बेटी ने मुझे उनसे पैसे लेते हुए शूट कर लिया और धमकी दी है कि हाथ फैलाते हवलदार को न्यूज चैनल पर दिखाएगी, और आज की पूरी कमाई ले गई और कहा कि 500 रुपए रोज का देना होगा। अच्छा 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 अच्छा, मेरे पास जो 5-5 और 10-10 के नोट आए थे वो भिखारियों के जेब में से आए थे। हफ्ताखोर हवलदार से हफ्ता सिर्फ मेरे बच्चे ही वसूल कर सकते हैं। आप अपनी बेटी को समझाइए। अरे हमें ऊपर भी देना पड़ता है जो? अगर सारा उसको दे देंगे तो हमें क्या बचेगा? मैं रोज का 200 देने के लिए तैयार। ठीक कह रहा है क्या? 500 बोला तो 500 देने का। देखिए 600। अरे मेरी बात तो सुनिए। 700। क्या लगा है? एक अन्नाड़ी कॉल चल रहा है क्या? देखिए मैं छोटी को समझा दूंगा, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू भाभी साहब, थैंक यू वेरी मच। वो कहावत है ना कि शैतान के घर में फरिश्ते पैदा होते हैं और फरिश्ते के घर में शैतान, ये बात आज आपको देखकर मान गए। आप जल्दी से यहाँ से जाइए, और थोड़ी देर यहाँ रुके तो आपको ये आपका विचार बदलना पड़ेगा। जाइए। देखा, मैं फरिश्ता। देखो बच्चों, मुझे रिटायर करने तुम लोगों को डाकू बनने की कोई जरूरत नहीं। अरे किधर की आप लोगों ने डाकूगिरी? अरे डाकूगिरी नहीं तो क्या है? डाकूगिरी नहीं तो क्या है? अरे सुबह 6 बजे एक औरत मेरे पास रो पीट कर गई, उसका पति तुम्हारे लॉटरी की दुकान पे पूरी पगार हार गया। हे राम, मेरी जिंदगी में कभी एक पति आएगा जो काजल भाई की दुकान पे जाके अपनी सारी पगार लुटा देगा, और मैं अपने जान के पास रोते पीटते आऊंगी और बोलूंगी देखो ना क्या हो गया। ए तू चुप कर, तू चुप कर, और तू साले, लोग ब्लैकमेलिंग से बचने पुलिस के पास जाते हैं, तू पुलिस वालों को ब्लैकमेलिंग करती हूँ? हाँ, उस हवलदार ने आपको बता दिया है? अरे बताने की बात में करती है नहीं, बोल। उसको तो मैं 200 रुपए का फाइन मारूंगी। बच्चों मेरी बात मानो, तुम लोगों को कमाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नौकरी करता हूँ ठीक है। देखो मैं ओवर टाइम करूंगा और तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करूंगा। हमने एक बात तय कर लिया कि आपको रिटायर होना है तो बस फाइनल, अब जाइए राम नाम का जाप कीजिए, जाके तीर्थ यात्रा पे जाइए, आज से कमाएंगे हम। मैंने भी बब्बी से काल कपाल महाकाल की किताब मंगा ली है, अब अगले हफ्ते से मेरा भूत हकाल और चुड़ैल निकाल का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तुम लोग नहीं मानोगे। नहीं मानेंगे। ठीक है, तुम लोगों की मर्जी। किधर जा रहे हैं आप? ऑफिस में रेजिग्नेशन देने। अरे तुम्हारे डैडी रिजाइन करने गए, 2 मिनट का काम था, रात के 2 बज गए और अभी तक नहीं आए, मोबाइल भी नहीं उठा रहे। अरे माँ टेंशन काई को लेती है, देख कल सुबह तक अगर वो नहीं आए ना तो दोपहर तक अपन उसको पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। तू जा, जाके सो जा। अरे मुझे उनके बगैर नींद नहीं आएगी। क्यों, वो आपको लोरी गा के सुलाते हैं क्या? लो आ गए तुम्हारे केएल सेगल। डैड के बजाय कोई 3 मुंडी वाला भूत आ गया क्या? यूहू में बहुत लोकल क्राउड होता है। हाँ टाउन में ठीक रहेगा, पॉइजन में मिलते हैं। कम अर्ली इवनिंग, रात को 1 बजे। रात को 1 बजे अर्ली इवनिंग नहीं, अर्ली मॉर्निंग होती है। मुझे मालूम है, तू चुप कर। ये क्या हाल बना दिया है, कुछ लेके आए हो क्या? अरे नो बेलन बेबी, डैडी लाइफ मेक, नया यू नो ट्विस्ट यू नो लेके आए हैं यू नो। तुम्हारे ट्विस्ट को मैं टान कर दूंगी। चंदौली जैसे कपड़े कहाँ से पहनकर आए हो? बेस्ट 3 पार्टी में से जो आदमी लास्ट पेज से न्यूज़पेपर पढ़ता है वो पेज 3 की पार्टी में जाएगा। तुम लोग अब कमाने लगे हो,
अपने पैरों पर खड़े हो गए हो तो मुझे कमाने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने सोचा कि जिंदगी में थोड़ा सा मजा लिया जाए, जरा सा झूम लिया जाए, थोड़ा सा घूम लिया जाए। I'm a free bird, I can fly. Don't touch my dog. अरे मेरे बच्चों ने तुम्हें घर इसलिए बिठाया ताकि तुम आराम कर सको, तुम्हारी अय्याशियों के लिए मेरे बच्चे नहीं कमाएंगे, समझे? अरे तुम पार्टी तो क्या, मेरे बगैर अनूप जलोटा का बजट भी नहीं सुन सकते, समझे? समझे? समझा करो, बाहर की गंगा में नहाने घर से लोटा लेके नहीं जाते। गाइस कम ऑन, जल्दी जाके सो जाओ, कल तुमको काम पे चढ़ना है, कम ऑन। अरे भाड़ में गया काम, मार खाए बंदर और माल खाए मदारी। हाँ? मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर। हम आपकी अय्याशी के लिए काम नहीं कर सकते। हाँ? कल से सारी दुकान बंद। हाँ? अरे ऐसा मत करो, समझे? ऐसा मत करो, मैंने अभी अभी जीवन का रस चखने शुरुआत की है। बस उसी शुरुआत का अंत हो गया है, कल सुबह उठना और सीधा काम पे जाना, समझे? चलो बच्चो अपने अपने कमरे में जाओ। ना लाइन पर ये सब एक नंबरी है लेकिन इनका बाप 10 नंबरी है। ओ मैंने प्रोड्यूस किया है, ये मेरा है प्रोडक्शन, अब मैं करवा देता हूँ इन सबका इंट्रोडक्शन। ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर चार, ये नंबर पांच। हम पाई बिया बैट, हम